दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों डेटा आ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं कल के एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में डेटा कैसे आए हैं, किन लोगों ने सेल किया है, किन लोगों ने बाई किया है, कितनी पोजीशन है, सब कुछ जानेंगे इस सेशन में। साथ में करेंगे चार्ट के एनालिसिस, ऑप्शन चेन के एनालिसिस और निकालेंगे कल के लिए एक व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो नेक्स्ट हमारा अपकमिंग वेबिनार है 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम के जो हेल्पलाइन नंबर हैं @help_niftyu पे पिंग करके जानकारी ले सकते हैं, और बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे समरी की। तो समरी के ऊपर देखिए, यहाँ पर जो क्लाइंट है दोस्तों, इसने आज इंडेक्स फ्यूचर पर दोस्तों लॉन्ग किया, कॉल पे लॉन्ग किया और पुट पे सेलिंग की, और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट किया। सो इंडेक्स पे ये लोग जो है बुलिश पोजीशन काम किए। एफ आई की बात करेंगे, एफ आई ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल किए, कॉल में सेलिंग की, पुट में लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। तो इन्होंने इंडेक्स पे जो है बेयरिश पोजीशन बना के काम किया। प्रो की बात करेंगे, प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे सेल किया, पुट पे लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया। तो ये भी मिक्स टू बेयरिश ही है। डी आई की बात करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे थोड़ी सी क्वांटिटी रखी है लॉन्ग साइड में। अब दोस्तों हम चलते हैं होल्डिंग वाले डेटा पे, जहाँ से हमें एग्जैक्ट ये क्लू मिलता है कि मार्केट में किसके पास एग्जैक्टली डेटा होल्ड है, कितना होल्ड है, क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर को देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 82,000 दोस्तों लॉन्ग है 81 के सामने। एआई के पास देखिए 90,000 लॉन्ग है 18,000 के सामने। एफआई के पास 132 शॉर्ट हो गया 126 के सामने। तो यही आसपास इधर उधर इनकी सेल की पोजीशन घूम रही है। प्रो के पास देखेंगे तो 26 के सामने 30 जो है लॉन्ग आया है, 4,000 जो इन्होंने फ्रेश में ऐड किया। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 12,000 जो है लॉन्ग हो गया। एफआई के पास 136 लॉन्ग है, कुछ लॉन्ग रिड्यूस कर दिया। प्रो के पास 148 शॉर्ट सेल है, जितना कल शॉर्ट किया था आज भी उतना ही होल्ड किया है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट ने 3,83,000 की जो पुट की सेलिंग की थी प्रीवियसली, अब इनके पास 437 जो है पुट सेल हो गया। सो आज इन्होंने फिर से फ्रेश पुट सेल करके बुलिश पोजीशन बनाई है। डीआई की बात करेंगे तो 84,000 इनके पास भी जो है लॉन्ग है। एफआई की बात करेंगे तो 398 इनके पास भी पुट है, फ्रेश में आज पुटे ऐड की हैं। प्रो के पास 45,000 पुट शॉर्ट है 63 के सामने, तो 20,000 की क्वांटिटी जो थी ऑलमोस्ट वो निकाल दी है। अब स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास वही सेम 16 लाख के जो है लॉन्ग, डीआई के पास 18 लाख के शॉर्ट सेल, एफआई के पास 25,000 लॉन्ग, डबल क्वांटिटी हुई है पहले के कंपेयर में। प्रो के पास 2 लाख जो है लॉन्ग है 221 के सामने। तो स्टॉक फ्यूचर का जो डेटा है वो ऑलमोस्ट हूबहू आता हुआ दिखाई दिया है। इंडेक्स पे पोजीशन कुछ चेंज हुई है, आइए हम इसको डिकोड करते हैं। इसको हम चेक करते हैं कि M2M बेसिस पे किसके पास जो है कितना लॉन्ग एंड कितना शॉर्ट है, ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया लग सके कि कौन प्लेयर यहाँ पे शॉर्ट है और कौन प्लेयर लॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग हम भी अपना जो है डिसीजन ले पाएंगे। आगे चलते चलते आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, @niftyuid है सर्च करके, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो की, आप भी क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अब हम लोग जो है क्लाइंट को चेक करते हैं। तो क्लाइंट के पास देखिए 82,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद क्लाइंट के पास 12,000 जो है यहाँ पे कॉल जो है लॉन्ग है, इसके बाद 437 जो है यहाँ पे टू बी जो है शॉर्ट सेल है। सो टोटल इनका जो है M2M हो जाएगा M2M बेसिस पे 5,32,000 इनके पास दोस्तों अब जो है इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों FII की। तो FII के पास देखिए 132 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, इसके बाद FII के पास देखेंगे तो 136 इनके पास जो है कॉल भी लॉन्ग है, और 398 के करीब इनके पास पुट जो है लॉन्ग है। सो टोटल इनका जो M2M हो जाएगा दोस्तों 3,94,000 इनके पास दोस्तों अब सेल पोजीशन है। अब दोस्तों बात करेंगे प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 30,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 1,48,000 जो है यहाँ पे कॉल जो है शॉर्ट है, और 45,000 जो है यहाँ पे पुट जो है शॉर्ट है। सो टोटल इनका M2M हो जाएगा 73,000 शॉर्ट सेल। अब प्रो के पास दोस्तों 73,000 जो है शॉर्ट सेल है। तो सो प्रो के पास एक चीज़ हमें जो है देखने को मिल रही है लास्ट के दो दिनों से, इनके डेटा काफ़ी नैरो आ रहे हैं, हालांकि सेलिंग पोजीशन ये लोग होल्ड कर रहे हैं, बिकॉज ये मार्केट की डायरेक्शन को पता करना चाहते हैं। उसके बाद हो सकता है कि प्रॉबेबली अपनी पोजीशन जो है बड़ी वाली ओपन करेंगे।
और FII तो कंटिन्यू जो है सेल पोजिशन कर रहा है, M2M बेसिस पे ये दोनों ट्रेडर जो हैं सेल साइड हैं और क्लाइंट अकेला जो है ये लॉन्ग साइड आया हुआ है। तो स्ट्रेटजी सेम होगी दोस्तों कि अगर अपर लेवल पे मार्केट स्टक करेगा तो हम वहाँ पे स्पॉट सेल ही करेंगे, जैसे आज के लिए हमने जो लेवल शेयर किए थे उसी तरीके से हम लेवल शेयर करेंगे अभी आगे चल के, उस लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे अपर लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, और अगर लोअर लेवल पे मार्केट होल्ड आउट करेगा जो कि इम्पॉर्टेंट लेवल अभी हम शेयर करने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्ट्रा लेके बाई भी कर सकते हैं। अब मार्केट में थोड़ा सा अपर लेवल पे सावधान भी रहने की ज़रूरत है क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं अपर लेवल पे स्टक होता हुआ दिख रहा है, जब तक प्रॉपरली सस्टेन ना करे, रिट्रेस ना हो, या तो उसको होल्ड आउट ना करे, कंसोलिडेट करके ना निकले, तब तक बाई करना रिस्की होगा, कभी भी हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आइए दोस्तों चलते हैं अब अपने टेक्निकल लेवल पे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलेंगे चार्ट एनालिसिस पे, उसके पहले कहना चाहूँगा फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, @NiftyBYD है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 43775 का, सपोर्ट है दोस्तों 43220 का। आज सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा दोस्तों कि क्लोजिंग बेसिस पे अगेन जो है 620 सस्टेन नहीं हुआ बैंक निफ्टी के लिए, जो कि काफ़ी जो है मच अवेटेड लेवल है। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाए तो ऊपर जो है कुछ बात बने, और एक मार्केट गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा साइडवे जाके ऊपर एक मूव दिया और उसके बाद ऊपर से प्रेशर फील दिखाई दिया। हालांकि बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी देखेंगे तो ज़्यादा जो है स्ट्रांग दिखी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज जो ऐसा चेंज हो गया, अभी तक बैंक निफ्टी वीक दिख रही थी, आज बैंक निफ्टी स्ट्रांग रही, लेकिन उसने सुबह से जो है एक रेंज क्रिएट कर लिया ऊपर 43640 एंड डाउन साइड में जो है 43500 का जो है रेंज उसने क्रिएट कर लिया। तो कल अगर बड़ी मूव आनी है तो या तो इसको 43500 को ब्रेक करके चलना होगा, और या तो 43620 को अगेन ब्रेक करके और 43640 को जो है डिसेसिवली ब्रेक करना होगा, तब जाके जो है एक अच्छी खासी मूव आएगी। अगर ये लेवल आइदर साइड या तो डाउन साइड वाला टूटे या तो अप साइड वाला टूटे, तब जाके इसमें कुछ बाई या सेल करके ऑप्शन बायर को फायदा होगा, अदरवाइज ऑप्शन बायर को फिर प्रॉफिट नहीं होगा। आज जो सबसे मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट बात थी जिसको मैंने ऑब्जर्व किया, हो सकता है आप लोगों ने भी किया होगा, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, कि बैंक निफ्टी इतनी पॉजिटिव थी, 100 पॉइंट थी, 50 पॉइंट रही बीच में, लेकिन जो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना वो यहाँ पे देखेंगे तो डाउन ही रहा, वो कभी भी जो है दिखाई दिया कि पॉजिटिव नहीं रहा। खुलने के बाद एक मूव आई, के बाद कंप्लीट डे में जो है डाउन मूव दे के जो है काम किया, और अगर कहीं प्रीमियम में गेन मिला तो वो निफ्टी के पुट ऑप्शन में ही मिला। निफ्टी ने भी हालांकि गैप अप किया था लेकिन निफ्टी के भी कॉल ऑप्शन में गेन नहीं मिला, पुट में ही गेन मिला। अब आइए चलते हैं दोस्तों निफ्टी के ऊपर, तो दोस्तों निफ्टी का रेजिस्टेंस है 19855, 90,855, सपोर्ट दोस्तों 19635, 90,635। एक शूटिंग स्टार टाइप का दोस्तों फॉर्मेशन बना हुआ है, तो कल अगर 800 टूटेगा तो एक यहाँ पे सेल साइड से जो है एक ट्रेड जो है बन सकता है, ऐसा जो है सेटअप है। हालांकि मार्केट जो है बाद में एक जो है रिट्रेस बैक कर ले गया ऊपर की साइड में, लेकिन बाद में फिर से जो है क्लोजिंग बेसिस पे जो है नीचे की तरफ आ गया। तो कल का ये जो लेवल होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी जो है मार्केबल लेवल है 19,780, 90,775। अगर ये लेवल टूटेगा तो यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, सेल करके एक ट्रेड मिलेगा जिसमें आपके जो टारगेट होंगे इस लो तक 90,760 तक जो है आ सकते हैं। 780 से देखेंगे तो पहले जो मूव होंगे 760 कह रहा हूँ, 740 तक, 740 अगर ब्रेक होगा तो 90,700 तक, या तो 670 तक जो है ट्रेड बनेगा, ये दो ट्रेड बनेंगे। एंड अगेन अगर 90,670 होल्ड करेगा तो यहाँ से बाई बनेगा, अदरवाइज फिर यहाँ से फ्रेश जो है सेल बनेगा। और अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो अगेन 90,855 के लेवल को प्रॉपरली होल्ड करके और ब्रेक करना पड़ेगा। कल मैंने ऐड भी किया था कि सिर्फ एक बार जाने से काम नहीं होगा, अदरवाइज वो फेल होगा। यहाँ पे प्रॉपर जो है ऐसे जो है यहाँ पे कंसल्टेशन होना चाहिए, प्रॉपर टाइम देना चाहिए, अदरवाइज ये जो आपको आज फॉल दिखाई दिया यही होगा। इसीलिए मैंने निफ्टी में जो आज दिया था लाइव में वो पी की तरफ ही दिया था, उस पी ने आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा जो है हाई बनाया, ऑलमोस्ट जो हम लोगों ने 34 की जो है बाइंग दी थी, इमिडिएटली 44 गया, उसके बाद 74 तक, 76 एंड 80 तक जो है ऑलमोस्ट उसने जो है मूव दिया। तो जिसने भी अगर बार बार भी एंट्री की, क्योंकि एक मूव बन चुका था कि जब भी अपर लेवल पे जा रहा था सेलिंग आ रही थी, कोई भी लेवल जो होल्ड नहीं हो रहे थे ऊपर, तो कन्फर्मेशन आ चुकी थी कि निफ्टी में जो है आज पुट लेके ही काम होगा। और इसीलिए मैंने कल ऐड भी किया था कि जब तक ये प्रॉपर सस्टेन नहीं करेगा लेवल को 820, 845 को,
तब तक हमें अपर लेवल पे बाई को अवॉइड करना है। सब लोग भले ही बाई में आ गए हों, सब लोगों को मार्केट बुलिश दिख रहा हो, बुलिश है भी, लेकिन इंट्राडे के लिए आज का जो सेटअप था वो बाई के लिए नहीं था। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने कल भी दिखाया था, ये मार्केट का जो है फोर्थ अटेम्प्ट था, बीच बीच में गैप लेके मार्केट ने 4 बार कोशिश किया है, और ये जो दोस्तों फोर्थ अटेम्प्ट था, तो अगर आने वाले दिनों में वीकली बेसिस पे 19,600 अगर निफ्टी क्लोज कर ले जाती है डाउन साइड में, तो ये फेलियर अब ब्रेकआउट भी हो जाएगा, और उस कंडीशन में आप जो है यहाँ पे बिग टारगेट के लिए जो है सेल करके चल सकते हैं। लेवल याद रखिएगा 19,600, और 600 जिस दिन टूटेगा उसी दिन नहीं सेल करना, अगले दिन सेल करेंगे ओपनिंग के बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 600 ब्रेक हो गया, अगले दिन गैप अप के ऊपर चला जाता है, तो हम ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए 600 के ब्रेक होने के बाद, इसलिए मैंने रेड लाइन जो है क्रॉस कर रखी है, यहाँ पे प्लॉट कर रखी है, जैसे ही कन्फर्मेशन आएगी तो हम लोग इस पे जो है इनिशिएट करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस से कल के लिए 19,620, 19,620 का सपोर्ट है दोस्तों 19,365, 19,365। तो आज फाइनेंस में जो है थोड़ी सी स्ट्रांगनेस थी, इसीलिए दोनों कैंडल जो है आप देखेंगे तो ग्रीन में ही आपको दिखाई देगी। हालांकि फाइनेंस निफ्टी में भी कॉल ऑप्शन में जो है कोई गेन मेरे को दिखाई नहीं दी, जो भी गेन था वो पुट ऑप्शन में था, पुट ऑप्शन में भी गेन नहीं था वहाँ पे, तो वो 45% या 50% का जो है वहाँ पे माइनस ही था ओटीएम में, क्योंकि मार्केट जो है रेंज बाउंड। फाइनेंस निफ्टी ने जैसे ही शुरुआत की उस समय कुछ गेन मिले गैप अप की वजह से इस कैंडल तक, और यहाँ से एक जो है तगड़ी सेलिंग आई अगेन ऊपर अगेन, एंड फाइनली जो है ये कोई भी हाई जो है ब्रेक नहीं हो पाया। तो 19,600 एक इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, 19,600 एक अहम जो है रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। अगर 19,620 प्रॉपरली होल्ड करेगा मार्केट, तब जाके कुछ बाई बनेगा, अदरवाइज यहाँ से साइडवे और या तो सम डाउन साइड में मूव दिखाई दे सकते हैं, और जो कि अगेन फाइनेंस निफ्टी 19,745 प्लस जो टच कर सकती है अगर वो ऊपर की तरफ नहीं जाती। आज की जो प्रोविजनल क्लोजिंग है 19,886 के करीब आई है, तो अगर कल 30-40 पॉइंट गैप डाउन होगा और उसके बाद जो 20-30 पॉइंट और नीचे आ गया, उसके बाद हो सकता है कि एक बाई व्यू बने अगर मार्केट होल्ड करे लोअर लेवल पे, क्योंकि आज जो तेजी दिखाई दी है वो फाइनेंस निफ्टी में ही दिखाई दी, बैंक निफ्टी में दिखाई दी। हालांकि एक जो आरबीआई की कल जो है स्पीच आई थी उसमें जो है एक निगेटिव न्यूज़ ही आ रही है, मार्केट ये मान के चल रहा है कि आरबीआई ने इनडायरेक्टली जो है रेट हाइक कर दिया, या जो भी जो है फाउंडेशन लगाए हैं, जो भी जो है अपना नया जो है सर्कुलर ये लोग लेके आए हैं, तो लेट्स सी कि मार्केट उसको कैसे देखता है। अभी तक तो बैंक निफ्टी में कल जो है रिवर्सल हो गया, तो मार्केट ये देख रहा है कि मार्केट को ज़्यादा असर जो है नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कहीं से 1-2 दिन में फिर से अगर कोई दिक्कत आती है, तो ये समझ लेना होगा कि मार्केट में उस न्यूज़ का जो है असर है। तो अगर कुछ आना होगा तो कल आना चाहिए, लेट्स सी कि क्या होता है, और वो हमारे जो लेवल हैं वो जो है ब्रेक होते हुई कन्फर्मेशन जो है दे देंगे। सो लेवल के ऊपर फोकस करके चलिएगा। अब ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं, तो निफ्टी का डेटा जो है सम यहाँ पे निगेटिव की तरफ जो है आज मूव हुआ है। यहाँ पे देखिए टोटल कॉल सेलर 15 लाख के हैं, एंड पुट सेलर भी ऑलमोस्ट 15 लाख के हैं निफ्टी में। यहाँ पे डीप आईटीएम पे जो है पुट लॉन्ग हुआ है स्ट्राइक पे, और बाकी सारे पे जो है सेलिंग है कॉल एंड पुट सब में। नियरेस्ट में देखेंगे तो जो हाईएस्ट वाई है दोस्तों वो 19,800 पे ही है, 1,08,000 का है, और पुट साइड में भी देखेंगे तो 1,36,000 का है। सो एनी हाउ 19,800 नहीं टूटना चाहिए, अगर 800 टूटेगा तो मार्केट जो है स्लिप कर जाएगा, क्योंकि 800 पे हाईएस्ट वाई है पुट के। इसके बाद अगर देखेंगे तो सीधे जो पुट पे हाईएस्ट वाई दिख रहा है वो 19,500 पे है, तो बीच में कभी ना कभी किसी ना किसी जो है स्ट्राइक पे आएगी जो है यहाँ पे सेलिंग, जैसे 600 पे आ सकती है गिरने के बाद। तो देखना होगा कि कौन से स्ट्राइक पे डेटा जो है डेवलप हो रहा है, क्योंकि आज फर्स्ट जो है एक्सपायरी है इसकी, आज ही जो एक्सपायरी हुई है, तो डेटा काफ़ी यहाँ पे नैरो है। लेट्स सी कि कल के सेशन में जो है किस टाइप से डेटा फॉर्म होते हैं, अगर कल भी फॉलो अप डेटा आता है तो निफ्टी यहाँ से जो है कह सकते हैं कि थोड़ी गिरने की जो है तैयारी में है, प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी में है। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में दोस्तों टोटल जो कॉल सेलर है दोस्तों वो 21 लाख के करीब है, 21 लाख, एंड 19 लाख के करीब दोस्तों पुट सेलर है। बैंक निफ्टी का डेटा तो स्लाइटली सेम वही है जैसे कल था, थोड़े से जो है कॉल सेलर ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ पोजीशन जो है कटी ज़रूर है, काफ़ी सारे पोजीशन आज यहाँ पे जो है राइट ऑफ हुए हैं, और यहाँ पे जो है जो भी कुछ बना है 1-2 स्ट्राइक पे वो लॉन्ग करके बना है, और पुट में अभी तक बैंक निफ्टी में जो है सेलिंग ही हुई है, ये जो है यहाँ पे मार्केट में जो है डेटा दिखा रहा है। ह्यूज वाई की बात करें तो 43,600 के ऊपर है, यहीं आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, और पुट साइड से देखेंगे तो 500 पे है। तो बैंक निफ्टी की जो एक रेंज दिखाई दे रही है 43,500 से लेके 600 की है, अगर 43,500 ब्रेक हो जाएगा तो एक आपको जो है सेलिंग दिखाई देगी डाउन साइड में, 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट गिर सकता है मार्केट, और अगर 43,620 बाजार प्रॉपरली होल्ड करेगा
तब जाके बाई बनेगा जो कि 800 या 757-75 तक हो सकता है। अदरवाइज इसी रेंज में जब तक रहेगा तब तक जो है कॉन्ट्राले का काम करेंगे, बहुत छोटे मोटे टारगेट मिलेंगे, और अदरवाइज जो है साइडवे बन के जो है आप साइडवे रह के जो है मार्केट को देखिए, ज़्यादा जो है बेटर होगा, क्योंकि तो मार्केट जो है काफ़ी साइडवे मूव कर रहा है, और साइडवे मूव में अगर मोमेंट नहीं मिलेगा तो ऑप्शन बायर को जो है प्रॉफिट नहीं होगा, और सेलर आप हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, दोनों साइड से पेयर सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बायर हैं तो आपके लिए जो है दिक्कत हो सकती है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस एनालिसिस से कल के सेशन में आपको हेल्प होगा। हेल्प हो रहा दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, काफ़ी कम लोग लाइक कर रहे हैं, अपने कमेंट भी दीजिए। उम्मीद है कि अभी बहुत जगह जो है ठंडी नहीं आई है, तो अगर ठंडी नहीं आई हो तो ज़रूर जो है अपने कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।